वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम अहमद जवाद साहब के साथ किन्नौर की सनत की प्रोजेक्शंस और उसके राह में हायल मुश्किलात के सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जी अहमद साहब, आप कैसी कौन कौन सी सॉल्यूशन सजेस्ट करते हैं कि जिनकी बुनियाद पर हम इस इंडस्ट्री को एक मेगा इंडस्ट्री या एक मेगा फॉरेन एक्सचेंज अर्नर बना सकते हैं? मैं तो कभी कभी ये सोचता हूँ कि ये इंडस्ट्री एक आपकी होती है ना कि एक लक जी, उस पर चल रही है, एक बूम है जो आया है लक पे है। इस पे हमारी कोई इतनी एफर्ट नहीं है ना, देखिए हमारे ग्रोअर की कोई एफर्ट है इसके अंदर जी, ना ही को हमारे एक्सपोर्टर की एफर्ट। से ये है कि हम लोगों ने एक वैक्स प्लांट बना दिए, एक हमने उसको वैक्स करा के कंटेनर डाला और एक्सपोर्ट कर दिया। आप इसको साथ ही तमाम अवामिल करार देंगे कि वैक्स प्लांट लोगों, ये प्योरली बूम लक है। ठीक है, जैसे एक वक्त में दुबई की प्रॉपर्टी बहुत इंक्रीज हो गई थी ना जी, जी। ये इसमें हमारी कोई अपनी मेहनत हार्ड वर्किंग इतनी नहीं है जितनी मेरे समय होनी चाहिए। देखिए, जिस एक फसल के अंदर रिसर्च ही ना हो जी, जिसका जमींदार लेटेस्ट प्रैक्टिसेस करना चाहता ही ना हो, ठीक है, जिसका एक्सपोर्टर जो है वो नए कंट्रीज मुतारफ ही करना ना चाहता हो, उस इंडस्ट्री के अंदर आप क्या काम कर सकेंगे? ठीक है, मेरे जैसे बंदे आपको एक मिलेंगे जिनको लोग कहेंगे ये प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा, और प्रैक्टिकली रियलिटी यही है। अगर आपने दुनिया के साथ अपने किन्नू, आप कहते तो हैं कि वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो तब उसकी प्रैक्टिकली उसकी शक्ल बनती है जब हम लेटेस्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अपनाएं, ठीक है, हमारे R&D हम बाहर से साइंटिस्ट की हेल्प लें जिन्होंने सिट्रस पे काम किया हुआ है, ठीक है, हम R&D को अपनाएं, पहले ग्रोइंग अपनी फॉर्म पे अपनाएं, ठीक है, तो हमारे ग्रोथ को भी ट्रैक करना है, पूरी इकोनॉमिक्स है ना, पहले फार्म से चलनी है। अगर फार्म आपका अच्छा फार्म हेल्दी फार्म होगा तो हेल्दी क्रॉप जनरेट करेगा और हेल्दी एक्सपोर्ट करेंगे। अगर आपका फार्म ही हेल्दी नहीं होगा, आप अगर एक जगह जमींदार है वो अच्छी खाद डालने का रवादार नहीं है, वो अच्छा स्प्रे करने का रवादार नहीं है, वो कहता है बस ठीक है थोड़े पैसे बच जाए मुझे काफी, उसको पता है उसको प्राइस किसी उस तरह की मिलनी है ना आगे से। नहीं नहीं, देखिए अब बात ये है कि ज्यादा प्राइस ही बात है, आप ये देख लें कि आज से 4-5 साल पहले आप किन्नू का रेट कहाँ था, आज रेट का है जमीन आसमान का फर्क है। आज से पहले वाला एक मुरब्बे का जमींदार जो था वो हार्डली 13-14 लाख रुपए अर्न करता था साल का किन्नू की मद में, आज वो एक साल का एक मुरब्बे का जमींदार है वो 20-25 लाख अर्न कर रहा है। तो ये आप थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर को इस बारे में अप्रिशिएट करें कि वो जो फैक्ट्रीज लगी जिसकी वजह से किन्नू ने एक इंडस्ट्री की शक्ल अख्तियार की जी, और जो अख्तियार कर ली एक लक पे चलती आ रही है, ठीक है, तो इसको हमने सस्टेन करना है, इसको हमने लॉन्ग टर्म लेके चलना है, इस पे हम अपनी R&D को एग्रेसिवली इंप्लीमेंट करें, नंबर वन, ठीक है। सेकेंडली, गवर्नमेंट इसके अंदर एक किन्नू की एक कॉन्फ्रेंस बुलाए, ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक हफ्ते की डिटेल कॉन्फ्रेंस हो, जिसके अंदर एक प्रॉपर लायबल तरतीब दिया जाए कि हमने आने वाले 5 सालों में क्या क्या चीजें करनी है, फ्रॉम प्रोडक्शन टू टिल एक्सपोर्ट्स, ठीक है, ठीक है, और उसमें नेचर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी, ठीक है, किसने क्या करना है, किसने क्या करना है। थर्डली, जो आपका स्टेट बैंक है उस सारे प्राइवेट, देखिए इस वक्त प्राइवेट बैंक आपके सारे डिपॉजिट फोकस कर रहे हैं जी, एक जगह आपने अगर आपकी मिसाल के तौर पर आपने अच्छा होटल खोला हुआ है ना जी, तो 6 बैंक आपके इर्द खुल जाएंगे आपके डिपॉजिट के लालच में, ठीक है। आप इस वक्त एक खाली जरिए तरह कहती बैंक अकेला बैंक क्या काम कर ले, आप ये देखिए स्टेट बैंक ने हबीब बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी, अस्क्री बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी, सारे बड़े कमर्शियल बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने इतने इस साल में इतने परसेंट एग्री लोनिंग करनी है, कोई बैंक भी टारगेट मीट नहीं कर सका क्योंकि उस टाइप में इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, ठीक है। स्टेट बैंक एटलीस्ट ये तो करे कि प्रोजेक्ट बेस्ड एग्रो फाइनेंसिंग की तरफ तो आए, ठीक है, हर बैंक को दे कि आपने ये साल, जैसे स्टेट बैंक ने बाकी बैंक को ये डायरेक्टिव दिया कि आपने नया बैंक खुलेगा तो उसने इस साल में इतनी ब्रांचेस ओपन करनी है, अदरवाइज दे आर बाउंड टू मर्ज विद सम अदर बैंक, ठीक है, तो एटलीस्ट वो एक सब बैंक को डायरेक्टिव दे, पुराने बैंक और नए आने वाले बैंक को, कि आपने इस साल में इस इंडस्ट्री के अंदर इतनी आपने प्रोजेक्ट एग्रो बेस्ड फंडिंग फाइनेंसिंग करनी है। देखिए, बैंक फाइनेंस करेगा तो इंडस्ट्री फ्लरिश करेगी। अब प्राइवेट सेक्टर का जो एक बंदा है, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैं एक एक्सपोर्ट फर्म चला रहा हूँ तो मैं उसके अंदर कितना पैसा डालूंगा, अपनी जेब से डालूंगा, एक सर्टन अमाउंट ही डाल सकूंगा ना, तो जब तक मुझे इंस्टीट्यूशंस फंडिंग नहीं देंगे, गवर्नमेंट मेरे साथ हेल्प और मुझे नहीं करेगी, तो मैं वो चीज़ें अपने बैंक मार्क्स को या एक उस पाकिस्तान की उस एक फसल को उस मकाम पे नहीं लेके जा सकूंगा, नंबर वन। नंबर टू ये है कि हमारे जो कमर्शियल अताशीज पाकिस्तान के डिफरेंट एम्बेसीज में बैठे हुए हैं, प्लानिंग कमीशन ने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है जिसमें लिखा है कि TDEP को और उसके कमर्शियल काउंसिल को सालाना एविलेट किया जाए,
उनके रिलेशन की जाए कारकर्दगी क्या है, कि उनकी कारकर्दगी क्या है। उन्होंने कहा कि जी लास्ट ईयर हमने 2009-10 में हमने 19.95 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट टारगेट अचीव किया, ठीक है जी, हालांकि हमारा 20 हमने 20 से हम एक्सपोर्ट तक अचीव नहीं कर सके। 2010-11 में हम लोगों ने 25 बिलियन डॉलर अचीव किया। वो क्यों अचीव हो गया, सिर्फ गंदम का 30 साल बाद हमारी जो प्रोडक्शन हम खुद के फील हो गए, गवर्नमेंट ने 30 साल बाद लिफ्ट जो था वो जो बैन किया था लिफ्ट। प्लानिंग कमीशन का ये मसला, उन्होंने ये एतराज उठाया अपने लेटर में कि इसके अंदर प्रॉपर इसकी जो इतनी फ्लक्चुएशन है, दिस इज डेंजरस, ठीक है, इसकी प्रॉपर इसकी एवोल्यूशन की जाए कि इसको किस तरीके से उन्होंने काम करना है। तो हमारे जो कमर्शियल काउंसलर्स बैठे हुए हैं, एक तो कमर्शियल काउंसलर्स को हमारी जो एम्बेसी की तरह से पीएम साहब की तरह डायरेक्टिव जाए कि उन्होंने पाकिस्तान की खास जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं इनको आपने अपने अपने मुल्कों में इस लेवल पे जाके मुतारफ कराना है और उसको कामयाब बनाना है और टारगेट दिया जाए, टारगेट दिया जाए कि आप इस साल इतने कंजम्पशन करवानी ही करवानी है। और सेकेंडली जो हमारा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी है उनका उन कमर्शियल अच्छी तरह डायरेक्ट लिंकेज किया जाए, उनका टी टेप्स लिंकेज हटाया जाए हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर, कि हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में पीएचडी की मैनेजमेंट उनके साथ बाउंड हो, उसमें टी टेप का मुलदखल ना हो। जब एक इदारा आपने एक इदारा बनाया उसको इदारे की उसको हैसियत को तस्लीम किया, ठीक है। अहमद जवाद साहब, मैं यहाँ पे आखिर में आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने जो हमें 5-6 बेसिक ऐसे सोल्यूशन दिए हैं कि जो काबिल अमल है और ऐसे पॉइंट्स दिए जिनके ऊपर हमें अमल करना चाहिए, आप क्या समझते हैं कि हम सबसे अच्छा सिनेरियो देखते हैं कि अगर लेट्स सपोज अगर हुकूमत पाकिस्तान इन तमाम आपके मसाइल या आपके तमाम जो आपने सॉल्यूशंस दिए हैं इन पर अमल कर ले तो पाकिस्तान नेक्स्ट 3-4 इयर्स में किन्नों से एट लास्ट कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकता है? अगर ये सब चीज़ें जो मैंने बोली हैं कि रिसर्च भी आ जाए, बैंक प्रोजेक्ट फंडिंग भी करना शुरू हो जाए, उसके बाद न्यू वराइटीज़ भी ओरिजिनेट होना शुरू हो जाए, हमारे जो रिसर्च इंस्टीट्यूट भी मुतहरक हो जाएँ और हम लोग उसको और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स भी डिक्लेयर हो जाएं, तो मेरे ख्याल में से हम 400-450 मिलियन डॉलर सालाना अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर हम इन हालात में जहाँ कोई इंटरवेंशन गवर्नमेंट की नहीं है, अगर हम 100 मिलियन 150 मिलियन डॉलर इतना अचीव कर रहे हैं तो जो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, एक दुनिया में हमारे पास एक सेटअप होगा दुनिया को मीट, दुनिया के स्टैंडर्ड्स को, दुनिया के स्टेटस से अपने को कंपेयर करने का, तो ऑटोमेटिकली हम लोग क्यों नहीं इसके अंदर एक्सेल करेंगे, 100% एक्सेल करेंगे। ठीक है नाज़रीन, यहाँ हम अहमद जवाद साहब से इजाज़त लेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।